इसमें थोड़ी सी मदद है, हमने सिर्फ शुरुआत में इनको थोड़ा सा जो पैसा दिया था, बाकी सब इन्होंने अपनी मेहनत से इसमें किया है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ हर किसी को कि ऐसी हिम्मत हर कोई करे, ये नहीं कि नौकरी से ही कोई मकान बन सकता है या कोई कुछ, अपनी मेहनत मजदूरी से भी मकान बना सकते हैं। घुटनों की एक्सरसाइज, घुटनों में जिनको दर्द होती है ना, स्टिफनेस है, जिस टाइम आप थोड़ा ऐसे करो, सब लोग करो ऐसे, सब लोग ऐसे बैठो, खड़े हो जाओ वापस। किस किस के यहाँ पे कड़कड़ की आवाज आ रही है, आ रही है किसी के, आ रही है? इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों को थोड़ा सा बेंड हो जाना है, अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखना है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे। उसके बाद तीन बारी, सब लोग बैठो ऐसे, तीन बारी क्लॉक वाइज, 1 2 3, तीन बारी एंटी क्लॉक वाइज, 1 2 3, फिर नॉर्मल पोजिशन, जितना जोर लगा पोजिशन ले लो, पकड़ो गुड ऐसे, ये करके फिर दूसरे हाथ को ऐसे लेना और जोर लगाना, पूरा जोर लगाना, फिर वापस, फिर ऐसे ही नेक को अपने कान को अपने शोल्डर की ओर लेके जाना है, लेकिन शोल्डर ऊपर नहीं करना। एक बार ही देख लेंगे सब लोग, सांस छोड़ते हुए ये इस साइड पे जो है जोर लगेगा, इस साइड पे स्ट्रेस पड़ेगा थोड़ा आपको, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये स्टिफनेस आ गई है आपके जॉइंट्स में, वर्कआउट आगे ऊपर की ओर पहले, उसके बाद ऐसे बना के तीन बारी क्लॉक वाइज और तीन बारी एंटी क्लॉक वाइज, सांस भरते हुए ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, तीन बारी क्लॉक वाइज, तीन बारी एंटी क्लॉक वाइज, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अपने पाँव को ऊपर की ओर खींचना है और रोक के रखना है, खींचो सब लोग, फिर पाँव को नीचे की ओर धीरे धीरे और खींच के रखना है, फिर वापस ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, तीन राउंड जब इसके किए उसके बाद इसको क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। ये सुक्ष्म है, ये सिर्फ बेसिक है, अभी जो आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस है ना, ये सिर्फ टुवर्ड्स एजुकेशन एंड एक्नॉलेजिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन आवर सराउंडिंग्स। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च एज अ ट्रिब्यूट ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2nd October 2014 at Rajghat by the Prime Minister Shri Narendra Modi, Mahatma Gandhi, the father of India, always. फिर एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। तीन बारी क्लॉकवाइज, तीन बारी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें लेकिन ध्यान रखना है, इसमें कुछ लोग गिर भी जाते हैं। एकजुट होकर नशा मुक्त भारत, एकजुट होकर नशा भारत अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं, अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि ना केवल हमारे समुदाय, ना केवल हमारे समुदाय, परिवार, परिवार, दोस्त, दोस्त, बल्कि खुद को, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए इसलिए आओ मिलकर आज अपने जिले डोडा, अपने जिले डोडा, तहसील भद्रवाह, पंचायत रुडू, पंचायत रुडू को नशा मुक्त बनाने का संकल्प रहे। मैं प्रतिज्ञा करता ही करती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए अपनी क्षमता से हर संभव प्रयास करूँगा, करूँगी। धन्यवाद। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट शोल्डर की ओर बिल्कुल सामने नजर, सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए वापस। ठीक है, ये आ गई नेक की एक्सरसाइज। उसके बाद इसमें एक नेक की रोटेशन होती है, मैं करके बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आंखें खुली रखनी है, सबसे पहले अपने चिन को नीचे, चेस्ट,
ये देश क्या है, तीर्थ का स्थान है मेरा, ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा। अलग अलग से लोग हैं, वतन तो एक है, अलग अलग से लोग हैं, वतन तो एक है, तरह तरह से फूल हैं, चमन तो एक है, तरह तरह से फूल हैं, चमन तो एक है। ये देश में कहीं बोलेगा कि भाई आप जगा सो हम चमकाएं, सपना यही है बस अपना, स्वच्छता को अपनाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। धन्यवाद। इस प्रकार से आ रहा है कि उन्हें नशे के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता, इसीलिए सरकार द्वारा लोगों को नशे से बचाने के लिए नशा मुक्त अभियान को शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार लोगों को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए काफी प्रयास कर रही है। इस दौर में उम्मीद करते हैं कि हमारी जो ट्रुडो पंचायत है, बहरहाल ये जो प्रोग्राम है बैक टू विलेज P2V4, इसमें लोगों की परेशानियों को देखा जा रहा है। कहीं नलका नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो ये जो लैक ऑफ फैसिलिटीज, तो इन चीज़ों को ये लोग हमें यहाँ आए हैं मनोरंजन के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ टाइम पास के लिए ही कर रहे हैं, उसे नशे के कारण उन्हें आगे चलकर कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि नशा करने से सिर्फ केवल उनके शरीर को ही नुकसान होता है, तो ऐसा नहीं है। मेरा ये देश मेरी जान है, ईमान है मेरा, ए आन बान शान ये अभिमान है मेरा। धन्यवाद। चलो आपको बहुत बहुत मुबारक है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरे इस डिपार्टमेंट जितने आए हैं, विजिटिंग ऑफिसर आए हैं हमारे, इन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका शुक्रिया, आपका फ्यूचर मंगलमय हो, यही कामना करते हैं हम। धन्यवाद। हेलो, कौन जाना चाहता है? हाँ, आदमी में जाना, आदमी में जाना है, घर छोड़ना पड़ता है, आदमी में जाना है, मम्मा पापा नहीं मिलेंगे, है ना, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई हम ऐसे कोई टीचर भी बनना चाहता है? यस सर। आज हर एक जो है किसान के साथ जुड़ा है, तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि हमारी और आपकी कोऑपरेशन जो है इन लोगों के साथ बहुत जरूरी है। हम लोग अगर इनके साथ चलेंगे तो ये लोग हमारे साथ चलेंगे, ये हैं तो हम हैं। तो और हमारे चीफ साहब यहाँ पर हैं, जितने भी हमारे आपके साथ एक साल का रहता हो गया क्योंकि कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है कि भाई जो भी विजिटिंग ऑफिसर जाएगा तो उस पंचायत में वो एक साल का मेंटर रहेगा। तो दो दिन की तो बात नहीं है, हम अभी बात करेंगे कि एक साल के लिए हम आपके साथ ही रहेंगे कोई भी जो भी होगा। तो मैं आप सभी से सरपंच साहब ने कहा तो बिल्कुल पता ही है क्योंकि ये एक